आइसक्रीम। आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जिसे खाना सबको पसंद है। आइसक्रीम जिसे खाने के लिए हम कहीं भी और कभी भी तैयार हो जाते हैं। मगर क्या ये आइसक्रीम सुरक्षित है? कहीं ऐसा ना हो इसे खाने के बाद आप बीमार पड़ जाएं, क्योंकि ये आइसक्रीम मिलावटी है। ये आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर वाला ठंडा जहर है। अब सवाल ये उठता है कि इसे पहचाना कैसे जाए, तो इसमें आपकी मदद करेगा द एफ फैक्टर, और हमारा साथ देंगी सुशीला शारंगधर जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुशीला जी इज प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन फॉर लास्ट 28 ईयर्स विद वेरियस हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट्स, वेबसाइट्स एंड मेनी मोर। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सुशीला जी। थैंक यू। सुशीला जी, आज हम बात करने वाले हैं आइसक्रीम और उससे रिलेटेड एडल्ट ट्रेंड्स के बारे में। सुशीला जी, ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानती हैं कि आइसक्रीम्स जो होती हैं या फालूदा जो होते हैं वो छोटे से लेकर बड़े सबकी फेवरेट होती हैं, तो क्या इनमें भी कोई मिलावट करता है? डेफिनेटली। किस लेवल पे मिलावट होती है? मिलावट सभी लेवल पर हो सकती है जी। शुरुआत करें जैसे मेन इंग्रेडिएंट जी दूध से हो जाती है, तो अगर हम दूध जो प्रॉपर फ्रेश गुड क्वालिटी मिल्क अगर हमने यूज़ करते हैं, आजकल काफ़ी पेपर्स मैगजीन्स में आता है कि दूध जो है एक ऐसे केमिकल से बनाया जाता है जो दिखने में और स्वाद में और कंसिस्टेंसी में दूध के जैसा ही दिखता है जी, बट वो दूध नहीं होता। दूध नहीं होता है okay. वो दूध नहीं, तो इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं होती है जो दूध में होनी चाहिए जी। और प्लस उसका डाइजेशन के ऊपर तो डेफिनेटली असर होता ही है। जो चीज़ें हमारे खाने लायक नहीं है, खाने के लिए नहीं बनी है जी, अगर हम वो पेट में डालेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से तो प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। Correct. फिर दूसरा होता है कि अगर उसमें शक्कर डाली है तो प्योर शक्कर है कि एडल्ट्रेटेड शुगर है? करेक्ट। तीसरी बात है, अगर शक्कर के बदले में हम आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रहे हैं, करेक्ट, किसी भी प्रकार का जी, तो वो स्वीटनर कितनी मात्रा में और कौन सा स्वीटनर डाल रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एक सिर्फ दूध को उबाली हुई प्लेन आइसक्रीम तो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, तो इसमें हम डालते हैं अलग अलग प्रकार के कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, तो ये भी ज्यादातर नेचुरल नहीं होते हैं। इसके लिए अगर हम ये ऐसी आइटम्स रेगुलरली और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमेशा लेते रहेंगे बिना जाने कि इसमें है क्या जी, क्या नुकसानकारी चीज़ें हैं, करेक्ट, तो डेफिनेटली अपनी सेहत के ऊपर उसका असर हो सकता है। एक छोटे से आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि कुल्फी जो होती है उसको थिकन करने के लिए या उसको और टेस्टी बनाने के लिए दे आर ब्लॉटिंग पेपर टू इट। दैट्स अगेन नॉट एडवाइजेबल। करेक्ट, डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल। तो इन सारी चीज़ों का एक ओवरऑल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अलग बॉडी के पार्ट पर वो असर करती है। अलग अलग इंग्रीडियंट्स का अलग अलग प्रकार से इसका बेसिकली इफेक्ट होता है। जैसे अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें होता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज इट्स ओन डिफरेंट काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन कौन सा उन्होंने यूज किया हुआ है आर्टिफिशियल स्वीटनर। अगर हम बात करते हैं कि कलर्स की, तो इवन कलर्स का देर आर स्टडीज विच हैव शोन दैट टू मच ऑफ कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी इवन कार्सिनोजेनिक, यानी कि कैंसर भी हो सकता है। हाँ, तो इट्स अ बिग चैप्टर बाय इटसेल्फ, पर इतना समझना जरूरी है कि अगर नॉन परमिटेड जो चीज़ें हैं वो यूज़ की गई हैं तो डेफिनेटली दैट फूड आइटम इज़ नॉट एडिबल फॉर यू टू कंज्यूम। करेक्ट, दैट इज़ वेरी दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट आई विश हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ जाएं कि रंग जो ऐड करते हैं, हम कहते हैं कि खाना बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए हर एक लेवल पे चाहे आप दाल बनाएं, चाहे आप आइसक्रीम खा रहे हैं, फालूदा खा रहे हैं, फालूदा में भी जो सेवैयाँ डालते हैं उन्हें भी रंग देते हैं, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। तो इसके लिए अगर स्पेशली हम घर में बनाते हैं तो जो भी हम कलर्स लेते हैं वी ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच इज़ अ प्रॉपर सर्टिफाइड कंपनी। करेक्ट, फूड कलर जी, जितना भी अगर हम लूज अगेन ले लेंगे तो हमें पता नहीं कि whether it is सर्टिफाइड, yes, whether what is there in that. Okay, so we are not at all aware कि इसमें क्या चीज़ है, क्या और चीज़ ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। okay. अगर हमें अपनी सेहत, क्योंकि आजकल लोग बस ये जानना चाहते हैं कि कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं खाने में, या तो कितनी कैलोरीज हैं या कितना प्रोटीन है, तो एक ये पार्ट होता है न्यूट्रिशनल, और दूसरा कितना, और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हाइजीन। पर ये पॉइंट थोड़ा सा मिस आउट हो गया है, और जहाँ पर अगर हम थोड़ा ज़्यादा अवेयर हो जाएं और उसके स्टेप्स लेने लगें, और अगर हम थोड़े बहुत कुछ टेस्ट करें, बहुत सिंपल टेस्ट हैं सभी खाने की चीज़ों को घर में टेस्ट करने के लिए, तो अगर उनकी भी जानकारी हमें आ जाए तो काफ़ी हद तक हम अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अमेजिंग। हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे कि आइसक्रीम को किस तरह से टेस्ट किया जाना चाहिए, मगर यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। आइसक्रीम को कैसे पहचाने कि वो असली है या मिलावटी, वो सारे टेस्ट, वो सारे तरीके हम बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं द एफ फैक्टर और आज हम पर्दाफाश कर रहे हैं आइसक्रीम में मिलावट का। सुशीला जी, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मिलावटी आइसक्रीम और किस किस लेवल पे एडल्ट्रेशन होता है। सुशीला जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर किस तरह से हम आइसक्रीम्स के अंदर मिलावट की पहचान कर सकते हैं। दो टेस्ट आज हम करेंगे, एक है कलर का और दूसरा है कि आइसक्रीम में स्टार्च है कि नहीं। ओके, ठीक है, तो ये हम लेंगे कलर के लिए। ओके, ठीक है, ये ले लिया हमने थोड़ी सी आइसक्रीम जी, और इसमें हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इसका रंग थोड़ा थोड़ा लाल बदल गया जी, ये देखिए इसका रंग बदल गया, यानी कि इसमें मिथिनिल येलो येलो कलर है, विच इज नॉट फूड ग्रेड परमिटेड कलर। ओके, ठीक है, और दूसरा टेस्ट हम करेंगे आइसक्रीम का कि इसमें स्टार्च है कि नहीं। तो हम लेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम और उसमें डालेंगे थोड़ा सा टिंचर आयरिन, और ये देखिए इसका कलर बदला। यस, थोड़ा इंकी डार्क ब्लू लग रहा है ये। करेक्ट। अच्छा, ये टेस्ट करते वक्त हमें कुछ ध्यान देना चाहिए कि क्या मतलब जो आइसक्रीम है वो मेल्ट हो या फिर मेल्टेड आइसक्रीम का भी टेस्ट नहीं, कर नहीं, सकते नहीं, हैं। आइसक्रीम जैसे है, बस उसका एक पीस लेके आप उसमें ये डाल सकते हैं। okay. तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च है, जो नेचुरल थिकनिंग होती है जी, वो नहीं है, तो इसमें आर्टिफिशियल थिकनिंग की हुई है। हाँ जी। ओके, और ये जो आपने दूसरा टेस्ट किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, उस केस में इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलर डाला हुआ है। कलर डाला हुआ है। ओके, कलर डाला हुआ है। ओके, और कलर अगर कोई भी कलर हो तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है या इट इज़ नॉन फूड ग्रेड कलर तब ये टेस्ट बेसिकली अगर जो नॉन फूड ग्रेड एक्सेप्टेड कलर नहीं होते हैं जो जी जी उसके लिए आता है पॉजिटिव। तो इस तरीके के रंग काफ़ी हार्मफुल होते हैं। Definitely, क्योंकि the fact that it is called only non-permitted colors, correct, means it's not good for your health. अगर हम natural colors, अगर अपने को किसी भी चीज़ का natural color चाहिए तो natural food items को हम उसमें डालेंगे तो better ही रहेगा। तो जितना हो सके go natural, that's go natural. The mantra. That's right. Okay. I think सुशीला जी, जब हम कलर की बात कर रहे हैं, आइसक्रीम से रिलेटेड कलर की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में पहले आते beverages, like कई शरबत होते हैं, गोला होते हैं, फालूदा होते हैं, उनमें भी काफ़ी ब्राइट कलर्स यूज करते हैं। ब्राइट कलर्स यूज होते हैं, सही बात है आपकी। ग्रीन्स हो गए, रेड्स हो गए, ऑरेंज हो गए, तो काफ़ी बार ये नॉन परमिटेड कलर्स होते हैं। ओके, और गोला स्पेशली अगर आप बात कर रहे हो तो मुझे याद है बचपन से ही हमारे मम्मी डैडी हमें कहते थे कि गोला कभी नहीं खाना, तब की बात है कि उसमें सैक्रीन होता है। Correct. तो तब हमें पता नहीं था कि ये सैक्रीन है क्या। Correct. कि शक्कर महंगी है तो शक्कर से कोई सिरप नहीं बनाता जी है। जी। ये जो गोले वाले हैं जो हमें कुछ पैसों में तब मिलते थे। Correct. तो सैक्रीन का भी जैसे कि हम पता है इट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लार्ज क्वांटिटीज इफ यू कंज्यूम इट कैन डेफिनेटली अफेक्ट योर हेल्थ। तो इसलिए इन सब चीज़ों से अगर हम संभल के रहें और सोच के ध्यान दे के कि ये सही है या गलत है जी, तो फिर अच्छा होगा। आई थिंक इट्स द बेसिक मंत्रा इज बीइंग अवेयर। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, और वही हमारे व्यूअर्स को आज मिला है इस एपिसोड से। दे हैव बीन अवेयर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक टेस्टी आइसक्रीम में भी। करेक्ट। तो आई हैव टू थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर दिव्या। फॉर मोर रेसिपीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल माय फूड थॉट्स।